इस साल के शुरू में आरआरआर आई थी और अंत में आई है अवतार द वे ऑफ वाटर। पहली वाली इंडियन सिनेमा उसकी स्टोरी टेलिंग एक्शन वीएफएक्स के लिए बड़ी ऐतिहासिक बेजोड़ फिल्म थी। वहीं अवतार 2 जो है वो पूरी दुनिया के सिनेमा के लिए बड़ी हिस्टोरिकल फिल्म है। सिनेमा की दुनिया के जो चक्रवर्ती तूफान थे स्टैनली कुब्रिक, उन्होंने कहा था कि इफ़ इट कैन बी रिटन और थॉट इट कैन बी फिल्म्ड, जो सोचा जा सकता है और जो लिखा जा सकता है उसको फिल्माया जा सकता है। तो अवतार 2 है वो, उसने क्या फिल्म किया जा सकता है और दर्शक की नज़र को दगा दे के काल्पनिक को भी कैसे रियल बनाया जा सकता है, इसकी फिल्मिंग के होराइजन को बहुत बड़ा कर दिया है। फ्यूचर फिल्म मेकिंग को ये फिल्म इतना बदल जाएगी कि इसका अभी अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। ये फिल्म अपने साथ CGI, मोशन कैप्चर, 3D कैमराज, सॉफ्टवेयर्स, रिग्स, इन सब के मामले में जितना बड़ा एवोल्यूशन लेके आई है वो न जाने भविष्य के सिनेमा को कितने असंभव संसार रचने में सक्षम करेगी। न जाने कितने ऐतिहासिक अनदेखे पात्रों को यकीनी तौर पर इस एवोल्यूशन के जरिए जिंदा किया जा सकेगा। इस फिल्म को रचा है जेम्स कैमरॉन ने, इसके डायरेक्टर हुए हैं, कहानी भी लिखी है, एडिटिंग वगैरह दूसरे डिपार्टमेंट से भी वो जुड़े रहे हैं, रचयिता वो हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। और विश्व सिनेमा की शब्दावली अगर इस्तेमाल करें तो उनको आप ऑटर बोल सकते हो। ऑटर वो आदमी जो फिल्म के हर रचनात्मक विभाग का उद्गम होता है, जो फिल्म को खुद बनाता है, सिंगल हैंडेडली बनाता है। हाँ, जाहिर बात है कि सैकड़ों हजारों अन्य क्रिएटिव जीनियसेस भी उसके साथ मिलकर लगे होते हैं, तब जाके वो बनता है। जेम्स को नहीं जानते हैं तो इन्होंने इससे पहले एलियंस बनाई है, टाइटैनिक बनाई है, पिराना 2 और टर्मिनेटर 2 जैसी फिल्में बनाई हैं। इनकी पिछली फिल्म थी अवतार जो 2009 में आई थी और कमाई के मामले में आज भी दुनिया की नंबर एक फिल्म है। इससे पहले उन्होंने टाइटैनिक बनाई थी, वो भी कमाई के लिहाज से लंबे समय तक दुनिया की नंबर एक फिल्म रही थी। हालांकि ये कलेक्शन वगैरह मैटर नहीं करते हैं हमारे यहाँ इस बातचीत में, रत्ती भर भी मायने नहीं रखते हैं, लेकिन सिर्फ संदर्भ के लिए बता रहा हूँ कि उन्होंने कमर्शियल सिनेमा में दुनिया भर के हर मार्केट में दर्शकों को जकड़ा है, जोड़ा है। मतलब उनकी फिल्मों की जो स्टोरी टेलिंग है वो कारगर रही है। तो कैसी है अवतार 2? कुछ शब्दों में बोलूं तो चाक्षुक फिल्म है, इमर्सिव है, अचंभे में डालने वाली है, अनबिलीवेबल है और सिनेमाई लिहाज से एकदम नया एक्सपीरियंस है। मोशन कैप्चर इससे पहले भी देखा है लेकिन इस फिल्म जितना रिफाइंड और रियल मैंने कभी नहीं देखा है। लगता ही नहीं है कि कोई टेक्निक दर्शक और विजुअल के बीच में है। मतलब पेंडोरा ग्रह की अनुपम दुनिया है, उसका मरीन लाइफ है, इकोलॉजी है, उसके जीव जंतु हैं, बायोल्यूमिनेसेंस वाले जंगल हैं, कीट है, पतंग हैं, मछलियाँ हैं, सब के सब विलक्षण हैं। और डायरेक्टर जॉनी ह्यूज की 2020 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, डेविड एटनबरो लाइफ ऑन आर प्लैनेट, इसमें भांत भांत के वन्य जीवों और अंडरवाटर जीवों को देखकर बड़ा विस्मय हुआ था, बड़ा वंडर हुआ था। अवतार 2 में जो नीले परग्रही ह्यूमनॉइड्स हैं और उसकी जो जैव विविधता है उसको देखते हुए लगता नहीं कि एकदम काल्पनिक चीज़ें हैं। ऐसा लगता है कि लाइफ ऑन आवर प्लैनेट डॉक्यूमेंट्री की तरह कोई फिल्म मेकर गया है इस छुपी हुई सी दुनिया में और वहाँ जाके बड़े चमत्कारिक ढंग से शूट करके लेके आ गया है। उसको देख के बिल्कुल ऐसा लगता है। तो अवतार द वे ऑफ वाटर ज़रूर देखें, चाहे किसी भी स्थिति में देखना पड़े आप देखें, इसको परिवार को भी लेके जाएं। हालांकि एक बात यह है कि इसमें बहुत सारी हिंसा है, जैसे ऑटोमेटिक राइफल्स है, गन्स हैं और बड़ा घातक एक्शन है, उसको देखते हुए आपके दिमाग पर एक निश्चित असर तो होता ही है। तो आप उस लिहाज से अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं कि नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप निर्णय लें उसका। लेके जाते भी हैं तो सुपरविजन में लेके जाएं, और जो उसका बहुत सॉफ्टर और प्यारा सा साइड है और जो दुनिया का वंडर है, नेचर का वंडर है, उसको दिखाने के हिसाब से अगर लेके जाते हैं तो आप ज़रूर लेके जाइए। तो हमारा रिव्यू यहीं तक था, हमारी बातचीत यहीं ख़त्म होती है। कुछ एक बातें मैं और ऐड करना चाहूँगा, आप जुड़ना चाहें तो जुड़ें, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अवतार सीरीज़ की कहानी शुरू हुई थी 2154 में, आज से कोई 125 साल आगे, और ये वो स्थिति है, वो टाइम है, वो डिस्टोपिया है जो धरती के सारे प्राकृतिक संसाधन ख़त्म हो चुके हैं। और एक कंपनी है रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, RDA, अमेरिका की कोई कंपनी है, ये एक दूसरे ग्रह में, पेंडोरा है उसका नाम, उस ग्रह में, हालांकि वो ग्रह नहीं है, चंद्रमा है, उस ग्रह में दुर्लभ खनिज संसाधन है, उनको उनकी तलाश में गई है, वहाँ उन्हें मिले हैं तो वो वहाँ पे उसको खोदने में लगी है। लेकिन वहाँ जो मूल निवासी है उनको बोलते हैं नावी, वो ह्यूमनॉइड्स हैं। ह्यूमनॉइड्स का मतलब ये होता है कि गैर इंसान हैं लेकिन इंसान के जैसे हूबहू दिखने वाले हैं। तो वो लंबे लंबे ह्यूमनॉइड्स हैं और वे उस ग्रह के वासी हैं और वो इन बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ते हैं। तो अवतार में एक सैनिक होता है जेक सली, उसको जासूसी करने भेजा जाता है कि भाई जाओ देखो इनको मनाओ, नहीं तो फिर उनको हम हमला बोलें। तो जेक सली जाता है और फिर क्या होता है, ये उस पहली फिल्म में था। अब आइए पार्ट 2, अवतार द वे ऑफ वाटर। ये फिल्म उस फिल्म से कोई 10 साल आगे शुरू होती है कि जेक और उसकी जो एक प्रेमिका थी, स्थानीय नावी योद्धा थी नेतीरी,
उन दोनों में प्यार हो गया था, तो इस फिल्म में दोनों की शादी हो गई है, बच्चे हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इतने तेज़ी से बड़े हो रहे हैं कि इतने छुटपने में ये बच्चे हैं वो अपनी हाइट में इंसानों से भी ज़्यादा ऊपर लगने लगे हैं, लंबे लगने लगे हैं, जो कि उनकी है हाइट ही है। फिल्म के शुरू में कहीं पे हम जेक को देखते हैं कि वो अपने कबीले के लोगों के साथ मिलके और आरडीए वालों की ट्रेन लूटते हैं, जो कंपनी खनन करने आई है, बाहरी कॉलोनाइजर कंपनी है, उसकी ट्रेन लूटते हैं। इस सीन को देख के मुझे लगा और फिल्म के जो ओवरऑल थीम है उस कॉन्टेक्स्ट में लगा कि जैसे ये वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने 1925 की काकोरी की ट्रेन लूटी थी, और वैसा ही कुछ प्रतीत होता है। बाकी इसके अलावा फिल्म में जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उसके बीच में जेक एक फादर के तौर पर कैसे रिएक्ट करता है, पिछली फिल्म में वो एक यंगस्टर था और वो उसने इस दुनिया को लेकर नया था, फिर वो उस दुनिया को हो जाता है, इसमें वो एक फादर बन चुका है, अब उसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए वो क्या करता है, उसके बच्चे हैं बालपन में क्या अबोध गलतियां करते हैं, उनके क्या एडवेंचर्स होते हैं, क्या उनकी क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, उनकी पर्सनैलिटी की मेकिंग क्या होती है, उन सब बच्चों की इंडिविजुअल स्टोरीज़ क्या हैं, ये वो स्टोरीज जो आगे जाके अवतार 3, 4, 5 को लीड करेंगी, ये हमको इस फिल्म में दिखता है। आगे हम ये भी जानते हैं कि सली परिवार है ये समुद्र किनारे बसे ये कबीले में क्यों जाता है, मेटकाइना नाम का एक कबीला होता है वहाँ क्यों चला जाता है, वहाँ उनके साथ क्या होता है, आगे वो क्या लड़ाइयाँ लड़ते हैं और अमेरिकी कॉलोनाइजर्स से उनका कैसा वास्ता पड़ता है, उनको क्या दुख होते हैं, उन दुखों का वो कैसे सामना करते हैं, क्या मॉरल निकल के आता है, ये सब हमको फिल्म में नज़र आता है। अवतार पहली जो आई थी 2009 उसमें एक सीन है जिसमें पार्कर सेल्फ्रिज नाम का कैरेक्टर होता है जिसको जियोवानी रिब्बीसी ने निभाया था, वो एक छोटा सा पत्थर हाथ में लेते अपनी टेबल से उठा के हाथ में लेते बोलता है कि इसी के लिए हम यहाँ हैं, इसका नाम है अनऑब्टेनियम। अनऑब्टेनियम का हिंदी मतलब होता है जिसे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, तो फिर वो कहता है क्योंकि ये इतना सा ग्रे पत्थर है $20 मिलियन का है और ये किलो के हिसाब से बिकता है। अवतार 2 में हम देखते हैं कि जो जंगलों पहाड़ों में पहले खनन चलता था इस अनऑब्टेनियम के लिए, अब दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि पेंडोरा के दूसरे समुद्री इलाकों में कैसे ये आक्रमणकारी हैं, एक और दुर्लभ चीज़ को खोज रहे हैं और उस दुर्लभ चीज़ वो उस अनऑब्टेनियम से भी ज़्यादा कीमती है, और उसके लिए इस धरती के शिकारी जो हैं, धरती के शिकारी हैं ये पेंडोरा में शांत समुद्री जीवों को मारने में कैसे लगे हुए हैं, ये हमको नज़र आता है। इस फिल्म में जो सबसे चकित करने वाली चीज़ें उनमें से एक ये है कि मोशन कैप्चर से जो नावी ह्यूमनॉइड्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस पकड़े गए हैं, जेम्स कैमरॉन ने जो रिग बनाई है वो रिग आपके सर पे एक लगता है और उस रिग से सामने की तरफ एक छोटा सा कैमरा हर समय शूट करते समय एक्टर के मुँह के सामने लगा रहता है, वो चेहरे के एक्सप्रेशन पकड़ता है, उसकी वजह से चेहरे के एक्सप्रेशन के मामले में CGI में इतना अद्भुत काम इस फिल्म हो पाया है कि आपको ये देख के लगता नहीं कि वो कहीं से भी CGI है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं या फोटोग्राफ्स हैं या विजुअल्स हैं। खास तौर पे जेक सली का जो छोटा बेटा है उसका कैरेक्टर है, उसके सीन तो इतने इवोकेटिव हैं कि वो अविश्वसनीय रूप से नेचुरल लगता है। और इसके अलावा जैसे पानी वाले सीन्स हैं, जैसे कोई पानी में डुबकी लगा रहा है या बाहर आ रहा है तो ऊपर और नीचे दोनों का विजुअल दिखता है, बाहर आते समय जो छींटे पानी के उछलते हैं वो एक एक छींटा अलग अलग नज़र आता है, उसको आप किसी मायने में ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर जनरेटेड है, एटलीस्ट ये हमारी नज़रों को ऐसा तो धोखा दे जाता है। इसके अलावा इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 3D, ये एक 3D फिल्म है, हिंदी इंग्लिश सब जगह सब भाषाओं में अवेलेबल है। 3D का मतलब हमारे लिए ट्रेडिशनली ये रहा है कि पर्दे के अंदर जैसे कोई डायनासोर है, कोई भाला है, कोई आक्रमण करने वाला है, कोई जीव है, ये जितनी भी चीज़ें ये ऐसा लगता है कि जैसे पर्दे से बाहर आके सीट पे हमारी तरफ ही आ रही है और हमारे ही शरीर को लगने वाली है, इस तरीके का आभास 3D में कन्वेंशनली ऐसा रहा है। मतलब और जो होता है ना लोगों का कि अरे ऐसा हुआ, वो बाहर आ गया पर्दे से, ऐसा लगा कि टकरा जाएगा। अवतार 2 में जेम्स कैमरॉन इस तरीके की कोई चाहत नहीं पाले नजर आते हैं, मतलब यहाँ पर्दे से बाहर कुछ नहीं आता है, अगर आता है तो जैसे कहीं कहीं कुछ सीन्स में बरसात हो रही होती तो ऐसा लगता है कुछ छींटे हैं जो थिएटर के अंदर गिर रहे हैं, बस वो उतना ही होता है और वो भी इंटेंशनल नहीं होता है, लेकिन जो किरदार अंदर हैं उनकी जो स्किन है, उनके जो एक्सप्रेशन हैं, पानी की कलकल है, जीव जंतु हैं, वो बहुत ही रियलिस्टिक हैं। इस फिल्म की सबसे खास बातों में हालांकि इसका स्क्रीन प्ले और स्टोरी है जो इसका आकार है उस आकार के हिसाब से बहुत अद्भुत नहीं है, ख़ास तौर पे इसके डायलॉग्स वगैरह में मुझे कोई भी डायलॉग ऐसा नहीं है जो याद रहता हो, जैसे एक डायलॉग है जो जेक सली बोलता है कि हम पिता होते हैं, पिता को परिवार की रक्षा करनी होती है, इस तरीके का कोई डायलॉग है, इसके अलावा कोई डायलॉग नहीं जो याद रहता हो, तो ये कमज़ोर कड़ी है, क्योंकि अगर आप डायलॉग्स के मामले में भी कुछ कर जाएँ तो आपकी फिल्म और आइकॉनिक बन सकती है।
जाहिर तौर पे टेक्निकल एस्पेक्ट पे इस फिल्म पे पूरा जोर था, तो स्क्रीन प्ले और वहाँ पे कमज़ोर पड़ा है, पर यह है कि स्क्रीन प्ले काम कर जाता है, आपको कहीं बहुत ज़्यादा कोई निराशा या शिकायत नहीं होती है। इस फिल्म की जो ऐसे में खास बात नज़र आती है, स्पिरिट जो फिल्म की है वो इसके जो मूल पात्र नावी पात्र हैं उनका अपने आसपास के जीव जंतुओं और इकोलॉजी के लिए जो प्यार है और तादाद में है वो इस फिल्म की स्पिरिट है, उसकी आत्मा है। यहाँ नावियों का दूसरे जीवों से जो रिश्ता है वो सर्वोपरि रिश्ता है। जैसे कि इसमें एक बहुत यूनिक एनिमल है, एक विशालकाय समुद्री प्राणी है, वेल मछली के जैसा, उसे थोड़ा छोटा है, और उसे समुद्र के किनारे रहने वाले नावी कबीले वो अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। अगर उनका कोई शिकार कर दे, उनको कुछ हो जाए, तो नावी हैं वो छोड़ते नहीं उन लोगों को, और बड़े फूट फूट के रोते हैं, सन्नाटा पसर जाता है। एक सीन है जिसमें केट विंस्लेट का किरदार है रोनाल, उसकी एक विशाल समुद्री प्राणी होता है उसको अपनी बहन मानती है, और जब वो रोती है तो विक्षिप्त होकर रोती है। वो सबसे इमोशनल सीन में से एक है मिसाल के तौर पे। तो ये हमारी बातें यहीं तक थी। जेम्स कैमरॉन ने एक बार कहा था कि वे चाहते हैं कि अवतार और उसके जो सीक्वल्स हैं वो 3D के मामले में दुनिया का बेस्ट सिनेमा एक्सपीरियंस लोगों के लिए साबित हो। तो यहाँ पे अपनी इस चाहत में वो कामयाब होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इंतज़ार ये है कि वो समय आए इनके सीक्वल्स के समय में कि जब 3D सिनेमा को देखने के लिए उन चश्मों को न पहनना पड़े, क्योंकि मैंने चश्मे के साथ देखा तो उसके विजुअल का रंग होता है वो डाइल्यूट होता है, वो थोड़ा सा स्याह हो जाता है, उसकी चटकता ख़त्म हो जाती है। तो फिलहाल के लिए यही एक मैकेनिज्म है कि उन चश्मों से आप देख सकते हो, लेकिन इस पर काम चल रहा है कि बिना चश्मों के भी आप 3D को एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब वो आएगा तो उसका जो पूरा कलर है, कलर पैलेट है, रिचनेस है, वो इंटैक्ट रहे कि आप तक आपकी आंखों तक आ सकती है। उम्मीद है कि अगली अवतार फिल्में 2, 3, 5 जब तक आएंगी तो फिर ये तब तक ये बैरियर भी टूटेगा जैसा बैरियर CGI में और मोशन कैप्चर में और 3D में जेम्स कैमरॉन ने अभी तक तोड़ा है। हमारी बातचीत यहीं तक, आभार।